हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, आबाद हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है और वो है NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए, मैंने इस चैनल पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे कुछ वीडियोस डाली हैं। ये भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड है। क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रमोटेड है तो इसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क बहुत कम है। साथ ही साथ ये एक बहुत टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है। और थर्ड चीज ये कि इसमें रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो अभी मैं एक एक करके सारी चीजें लूंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्वेस्ट कौन कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो एक एडल्ट अपने लिए भी कर सकते, अपने लिए भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है और एक माइनर के बिहाफ पे भी खरीद सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें मिनिमम यानी कि कम से कम कितना इन्वेस्ट करना है। कम से कम आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, जो इनकी वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, वहां पर देखेंगे 1000 रुपीज लिखा है तो वो गलती से लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में 100 का एग्जाम्पल दिया है और मैंने प्लस कॉल करके भी पूछा था, तो वो 100 रुपीज इनका मिनिमम अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट कोई नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट लोग 1.5 लाख क्यों करते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे, वो टैक्स से रिलेटेड है। वैसे इसमें मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एक चीज हो गई कि आप इन्वेस्ट। अब बता दूं मैं कैसे कर सकते हैं। तो अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आपको NSE परचेस करने पड़ेंगे। ऑनलाइन नहीं कर सकते आप इसको, आपको जाके परचेस ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसका लॉक इन पीरियड, तो इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है। जैसे PPF में 15 ईयर्स होता है, इसका लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट पे। देखिए, अभी इसका इंटरेस्ट चल रहा है 7.9% पर एनम। अब आप तसल्ली से सुनिए कि इसके इंटरेस्ट का होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूं। मैं 100 रुपए का NSE खरीद लिया। ठीक है, अब इस 100 रुपए पे आपको मिलेगा 7.9% इंटरेस्ट पर एनम। इसमें ना कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए, इसका फंडा क्या है। 100 रुपए पे आपको इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल 7.9% मिलेगा, 7.9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो 7.90 रुपए आपको मिला 100 रुपए पे। ये क्लियर है। अभी जो 7.90 रुपए है ना, ये री इन्वेस्ट हो जाता है। ये आपको मिलता नहीं है, ये अक्रू हो रहा है और इस पे आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 100 रुपए पे तो हर साल मिलेगा ही, मगर जो जो इंटरेस्ट है जो आपको हर साल मिल रहा है उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक शीट आ रही होगी। 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो उस पे 7.9% इंटरेस्ट बनता है आपका 7.90 रुपए। उसको आप 100 रुपए में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 107.9। फिर इस पे आपका 7.9% इंटरेस्ट मिलेगा जो कि बनता है 8.84%। तो आप देख रहे हैं ये पहले से ज्यादा है। कंपाउंडिंग से क्या होता है, आपको हर बार इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, हर बार 7.9% मिलता। अब क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा पहले से, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगला साल देखेंगे तो अब क्या होगा, 107.9 में 8.84 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 116.42। अब इस पे 7.9% बनता है 9.19। अब ये जुड़ जाएगा 116.42 में तो कितना बनेगा, 125.61। अब इस 62, अब इस पे आपको मिलेगा कितना, 7.9%, यानी कि 9.92। ठीक है, अब जुड़ के कितना बन जाएगा, 135.54। इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10.70 रुपए। अब टोटल आपको अमाउंट मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 146.25। यानी कि 100 रुपए का NSE डिपॉजिट करने पे 5 साल बाद आपका अमाउंट बन जाएगा 146.25। ठीक है, ये होता है इसका फंडा। तो इसमें इंटरेस्ट आपका अक्रू हो जाता है, मिलता नहीं है। मगर जैसे कि हम जानते हैं, अब हम टैक्स पे आ जाते हैं। तो अब इंटरेस्ट, आई होप आपको समझ आ गया हो। अभी तक आपको इंटरेस्ट में कोई डाउट है तो आप नीचे जो है कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज बता देती हूँ। आप टोटल भी इसमें जो है मैच्योरिटी, जैसे ये तो मैंने चार्ट बना दिया, इस आप टोटल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं स्क्रीन पे वो फॉर्मूला आ रहा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r⁻⁷। इसमें जो r है वो हो जाएगा आपका 7.9%, यानी कि 7.9/100, और t क्या हो जाएगा, 5 साल। तो 1.079⁵ इंटू 100 जब आप करेंगे तो 146.25 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना। अच्छा, अब आई होप आपको इंटरेस्ट का पॉइंट समझ आ गया होगा।
अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, जब मैंने कहा है कि इसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट है ही नहीं, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो लोग 1.5 लाख क्यों करते हैं? 1.5 लाख लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो भी आप एनएससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा किसमें? सेक्शन 80C में, और सेक्शन 80C का लिमिट तय है 1.5 लाख, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करा जाता है। अब इसमें इंटरेस्ट का भी आपको जो है डिडक्शन मिलता है। कैसे मिलता है मैम? इंटरेस्ट तो इनकम है, इसका डिडक्शन कैसे मिलता है? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, आपने जैसे प्रीवियस ईयर 1920 में आपने इन्वेस्ट कर दिया, सपोज करते हैं 100 रुपए, 1 लाख, ठीक है। तो उस 1 लाख का आपको जब आप प्रीवियस ईयर 1920 का टैक्स निकालेंगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा, प्लस अब जो उसका इंटरेस्ट होगा ना, अब हम अगले साल की बात लेते हैं, प्रीवियस ईयर 2021। अब प्रीवियस ईयर 2021 में पहले तो आप जो 1 लाख का एनएससी आपने पिछले साल खरीदा था उसका इंटरेस्ट अक्रू करेंगे। अक्रू करने का मतलब ये है, देखिए इंटरेस्ट पे टैक्स तो लगेगा। कैसे आप दिखाएंगे टैक्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट जाएगा, मिला नहीं है मगर अक्रू हो गया, तो उसको आपको अपनी इनकम में जोड़ना है। मगर अब क्या होता है कि ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है, तो क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो रहा है तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब आप अगर प्रीवियस ईयर 2021 में एक और बार फिर से आप 1 लाख का एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पिछले वाले एनएससी का इंटरेस्ट प्लस ये वाला इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो एक तरीके से तो ये टैक्स फ्री हो गया, मगर अब एक और बात याद रखेंगे, जो इसका लास्ट इंटरेस्ट होता है ना भाई, अब 5 साल का तो लॉक इन पीरियड है, 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी हो जाती है, फिर आपको पूरा पैसा मिल जाता है, तो जो लास्ट इंटरेस्ट है वो तो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो जो लास्ट इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स देना है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा जैसे नॉर्मल लगता है। आपको ये बात समझ आई? जैसे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है वो तो है ही एग्जेम्प्ट, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, इसमें आपको टैक्स देना होता है, आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालते भी है, मगर क्योंकि पहले 4 सालों का इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता रहता है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मेरे एग्जाम्पल में जो लास्ट का इंटरेस्ट था 10.70 रुपए, इस पे टैक्स लगेगा, बाकी 4 रुपए टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल। तो ऑलमोस्ट तो ये टैक्स फ्री हो गया ना, लास्ट का एक इंटरेस्ट का एक तो टैक्स आप दे रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जो ये सर्टिफिकेट है वो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो एनएससी 8 इशू है, ये आप डेट ऑफ इश्यू से लेकर डेट ऑफ मैच्योरिटी के बीच में एक बार ये ट्रांसफर हो सकता है सर्टिफिकेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। अच्छा, अब तो ये जानकारी थी आपकी एनएससी की, मैंने आपको इंटरेस्ट बता दिया, मैंने आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता दिया, मैंने बता दिया कि टैक्स एफिशिएंट कैसे है और आपको एनएससी पोस्ट ऑफिस में जाके लेना है, मैंने आपको ये भी बता दिया। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर लग रहा हो कि मैंने छोड़ दी है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको वो भी बता दूंगी। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर स्कीम पे या पर्टिकुलर चीज पे, इन्वेस्टमेंट पे वीडियो डालूं, तो आप प्लीज मुझको अपने कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी पूरी कोशिश करूंगी डालने की। इसके अलावा कोई और आपको मेरे से बात करनी हो वो भी आप कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और प्लीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में और जानकारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाऊं। Thank you for watching my videos.